हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 5, माय स्कूल। माय स्कूल यानी मेरा विद्यालय। इन दिस लेसन वी नो अबाउट आवर स्कूल। हम इस लेसन में हमारे स्कूल के बारे में जानेंगे और स्कूल की अलग अलग जगहों के बारे में भी पहचानेंगे, जैसे कि क्लासरूम, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, इन सबको भी पहचानेंगे। वार्म अप में देखें, स्कूल इज़ द प्लेस वेयर वी लर्न न्यू थिंग, यानी स्कूल वह जगह है जहाँ पर हम बहुत सी नई वस्तुएँ सीखते हैं। स्कूल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टेम्पल ऑफ नॉलेज, हम स्कूल को विद्या का मंदिर भी कहते हैं। आपको आगे देखिए कि इसमें लिस्ट 3 थिंग्स यू लाइक अबाउट योर स्कूल। आपको यहाँ पर आपकी स्कूल के बारे में आपको कौन सी 3 वस्तुएं अच्छी लगती है वह 1, 2, 3 नंबर में लिखनी है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्कूल। हेलो, आई एम रिया। यह रिया है। लेट मी टेल यू अबाउट माय स्कूल। यह अपने रिया जो है वो अपने स्कूल के बारे में बता रही है। द नेम ऑफ माय स्कूल इज ग्रीन वैली स्कूल। इसके स्कूल का नाम क्या है? ग्रीन वैली स्कूल। I wear this dress to school every day. वह उसने जो ड्रेस पहनी है वो अपने स्कूल के लिए रोज पहनती है। हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। We go to school to study. हम स्कूल में क्यों जाते हैं? पढ़ाई करने जाते हैं और वहाँ पे हम नए फ्रेंड्स भी बनाते हैं। और स्कूल में क्या होता है? स्कूल में क्लासरूम, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, मेडिकल रूम, कैंटीन और स्टेशनरी रूम होते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स एंड से मोर अबाउट योर स्कूल। इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आपकी स्कूल के बारे में जानकारी देना है। अभी आपके पास बुक नहीं है तो आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स और आंसर भी लिखिए। माय नेम इज़, आपका नाम क्या है? नेक्स्ट है द नेम ऑफ माय स्कूल इज़, आपको यहाँ पर आपके स्कूल का नाम लिखना है, वर्जिन मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल। थर्ड पॉइंट है आई स्टडी इन क्लास, मैं क्लास में पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फर्स्ट में, तो यहाँ फर्स्ट लिखेंगे। यहाँ आपको माय क्लास टीचर इज़, आपको यहाँ पे आपके क्लास टीचर्स का नाम लिखना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट देखिए I reach school at filling the blanks am। आप सुबह कितने बजे जाते हैं स्कूल? वह स्कूल टाइम लिखना है। I carry books, notebooks, lunch box and pencil box in my school bag। यानी जो रिया है वो अपनी स्कूल बैग में बुक्स रखती है, नोटबुक्स रखती है, लंच बॉक्स है और पेंसिल जो बॉक्स होता है वह अपनी स्कूल बैग में रखती है। रिया अपनी स्कूल बैग में बुक्स, नोटबुक्स, लंच बॉक्स और पेंसिल बॉक्स रखती है। अब आगे देखिए वह क्या बता रही है। पार्ट्स ऑफ माय स्कूल, यानी उसकी स्कूल के और दूसरे हिस्सों के बारे में वह बता रही है। वी लर्न लेसन फ्रॉम आवर टीचर इन अ क्लासरूम, हम क्लासरूम में हमारी टीचर से लेसन पढ़ते हैं। और क्या बता रहे हैं देखिए, अ लाइब्रेरी हैज़ मैनी बुक्स, सम लाइब्रेरीज ऑल्सो हैव एक्टिविटी कॉर्नर्स। यानी लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती है और वहाँ पे एक एक्टिविटी कॉर्नर भी होता है जहाँ पे हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड भी होता है जहाँ पर हम एक्सरसाइज करते हैं और गेम्स भी खेलते हैं। और स्कूल में सिक रूम भी होता है जहाँ पे डॉक्टर और नर्स होते हैं जो मेडिकल रूम में रहते हैं, वो हमें हमारी केयर करते हैं। अगर हमें कुछ लग जाता है तो हमें दवाई लगा के देते हैं। और जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा सिक रूम होता है, वहाँ पे डॉक्टर और नर्स जो होते हैं वो हमारी केयर करते हैं। और जो कैंटीन होती है वहाँ से हम कुछ नाश्ता खरीद कर खाते हैं। इसके अलावा स्टेशनरी रूम है, वहाँ पर क्या होता है, स्टोर रूम भी कहते हैं। वहाँ पर पेंसिल, पेंसिल कलर, क्रेयॉन,
इरेजर, शार्पनर, रूलर्स और नोटबुक्स और बहुत सी वस्तुएं स्कूल में जो ज़रूरत पड़ती है वो सब वस्तुएं रखी रहती हैं। आगे देखिए, हमें हमारी स्कूल को क्लीन रखना चाहिए, हमारी स्कूल को हमें साफ रखना चाहिए और हमें क्लासरूम में क्वाइट रहना चाहिए। क्वाइट यानी शांत चुपचाप बैठना चाहिए और हमारी जो स्कूल होती है वह वो बंद रहती है कब? संडे और पब्लिक हॉलीडे के दिन हमारे स्कूल में छुट्टी होती है। ये वाला चेक पॉइंट हम नहीं करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, व्हाई डू वी गो टू स्कूल, हम स्कूल क्यों जाते हैं। हम स्कूल पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं और बहुत से फ्रेंड्स बनते हैं वहाँ पे हमारे, और यहाँ पे स्कूल में हम बहुत से गुड मैनर्स भी सीखते हैं, अच्छी आदतें भी सीखते हैं। हम बहुत सी गेम्स भी खेलते हैं। डेली स्कूल जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर स्कूल में हम बहुत सी अलग अलग लोगों के बारे में और जगहों के बारे में भी सीखते हैं। यहाँ पिक्चर स्टडी में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज दिस, तो आपको ये पिक्चर्स देख के देखिए किसका है, पेंसिल बॉक्स का, तो यहाँ पे हम अ पेंसिल बॉक्स लिखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर टू देखिए, व्हाट डू यू यूज़ दिस फॉर, आप इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, तो आप यहाँ पे इसका उपयोग किस लिए करते हैं वो लिखना है। तो हम कंपास बॉक्स क्यों यूज़ करते हैं, टू कैरी आर स्टेशनरी, हम हमारा जो स्टेशनरी होती है वो हम कंपास बॉक्स में रखते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे टू कैरी आर स्टेशनरी।